हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने जीत, जुड़वा, हर दिल जो प्यार करेगा, मुझसे शादी करोगी, जाने मन और किक जैसी कई हिट फिल्में एक साथ मिलकर दी है। अब दोनों अपनी सातवीं फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के लिए कमर कस रहे हैं। बीते कई दिनों से मेकर्स इस फिल्म की रिलीज के लिए सही डेट की तलाश कर रहे थे, जो उन्हें मिल गई है। इंडस्ट्री से सामने आई ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म कभी ईद कभी दिवाली अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। सलमान खान के साथ कभी ईद कभी दिवाली में पूजा हेगड़े दिखाई देंगी। इनका डायरेक्शन फरहाद सामजी करेंगे। मशहूर ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी है कि सलमान खान और साजिद नाडियाडवाला ने कभी ईद कभी दिवाली के लिए ईद 2023 की डेट ब्लॉक कर ली है। फिल्म ईद 2023 वीकेंड के दौरान बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। सलमान और साजिद की लास्ट फिल्म किक भी ईद के मौके पर ही रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 200 करोड़ की कमाई की थी। कभी ईद कभी दिवाली की बात करें तो ये फिल्म फैमिली के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देगी। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा और भी कई एक्टर्स दिखाई देंगे, जो फिल्म में उनके रिलेटिव का कैरेक्टर प्ले करते नजर आएंगे। कभी ईद कभी दिवाली के अलावा सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग में काफी बिजी हैं। फिल्म में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ दिखाई देंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म टाइगर 3 में सलमान की टक्कर इमरान हाशमी से होगी। फिल्म के इसी साल के एंड तक रिलीज होने की पूरी उम्मीद है। वेल, कैसी लगी ये अपडेट कभी ईद कभी दिवाली पर, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।